पूरी एकाग्रता के साथ अपने आप को स्वयं में समाहित करते हुए योग का ध्येय उच्च चेतना में जीना, दिव्य चेतना में, भागवत चेतना में, स्वचेतना में, आत्म चेतना में, गुरु चेतना में, ऋषियों जैसी दिव्य चेतना में हर पल जीना। बार बार स्खलन होता है, हम अपने स्वरूप से, अपनी निजता से, अपने भीतर की दिव्यता पूर्णता से कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से कभी कभी नीचे आ जाते हैं। बार बार इस बात के लिए अभ्यास करना कि हम अपने स्वरूप में जिए, अपने स्वरूप में लौटने का बार बार अभ्यास करना। और जब जब हम अपने स्वरूप में होते हैं तो पूर्ण प्रकाश होता है, कितनी सुखमय अवस्था होती है। ना कोई सत्ता है, ना कोई संपत्ति है, ना कोई नेम फेम, ना कोई भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ना कोई भौतिक संबंध है किसी भी प्रकार का। भौतिक ऐश्वर्य, मेटलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है। न हम स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न धनवान न निर्धन। लेकिन जैसे ही हम अपने स्वरूप में पहुंचते हैं तो वहां सब प्रकार की पूर्णता की अनुभूति करते हैं। यह है योग की स्थिति। जैसे हम गाढ़ निद्रा में होते हैं, सुषुप्ति में होते हैं, तब भी बस हम अपने स्वरूप में होते हैं, और जब बहुत गहरी नींद आ जाए तो कहते हैं आज बड़ा सुख आया सोने में, सुखो हम असाप सब। ऐसे ही वो निद्रा का सुख तो यद्यपि सामान्य सुख है, ये योग का सुख, ये आध्यात्मिक सुख, ये आध्यात्मिक शांति, ये पीस ऑफ माइंड, ये सेल्फ रियलाइजेशन का सुख, ये बहुत ऊंचा है। एक सोच मात्र से, एक संकल्प मात्र से हम सुखी हो जाते हैं जब हम अपने स्वरूप में लौट आते हैं। तो योग के समय, कर्मयोग के समय जब हम योग करते हैं, ये साधना काल का योग होता है। जब हम संसार के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो वो व्यवहार काल का योग होता है। चाहे साधना काल का योग हो, चाहे व्यवहार काल का योग हो, चाहे हम एकांत में हैं, चाहे हम भीड़ में हैं, हमारी ये निजता खंडित नहीं होनी चाहिए। यही योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जो मन, वृत्तियां, विचार, भाव, संवेदनाएं जो हमारी इधर उधर कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव विचार प्रवाह में हम बहते रहते हैं, उस वृत्ति सारूप्य में तरत्र, उस वृत्ति सारूप्य से हट करके योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, अपने स्वरूप में जीना। और अपने स्वरूप में जीते हुए सब कुछ का आधार परमात्मा को स्वीकार करते हुए, कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर के, निमित्त मात्र होकर के, भगवान की पूजा मान करके प्रत्येक कर्म को करना, ये योग की स्थिति। और इस स्थिति को हमें बनाए रखना है। अब क्रियात्मक योग की साधना का प्रारंभ करते हैं।
मैंने बार बार कहा है, योग के तीन बड़े पहलू हैं। एक योग का ज्ञान पक्ष, दूसरा योग का अभ्यास पक्ष और तीसरा योग का आचरण पक्ष। योग के ज्ञान पक्ष से तात्पर्य है कि योग के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, योग की मूलभूत परंपराएं, मर्यादाएं, वेदों, दर्शनों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, गीता और हमारी इस ऋषि ज्ञान परंपरा में, इस आर्ष परंपरा में योगी, सिद्ध, महात्मा, महापुरुषों ने जो हमें योग का ज्ञान दिया, उस योग के समग्र सिद्धांत के बारे में हमारा ज्ञान निर्भ्रांत होना चाहिए। और आप भी यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, शूद्र, आदिवासी, वनवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि अलग अलग परंपराओं से योग के संदर्भ में एक बात का हमें पूरा निश्चय होना चाहिए कि दुनिया में जब कोई संप्रदाय नहीं था, दुनिया में जो अलग अलग संस्कृति और सभ्यताएं, मत, पंथ, संप्रदाय जिनको कहा जाता है, ये तो नहीं थे, तो योग जो है वो 5, 10, 15, 20, 25 हजार, अब इसकी संख्या का कोई हजारों में बोलेगा, कोई लाखों में बोलेगा, कोई करोड़ों में बोलेगा, लेकिन इतना एक बात जरूर है कि जब दुनिया में कोई संप्रदाय नहीं था, कोई मत पंथ नहीं था, तब योग था। इसलिए योग सब संप्रदायों के परे है, योग सब संप्रदायों के परे है, अर्थात बियॉन्ड द रिलीजन है योग, बियॉन्ड द रिलीजन इसको कहते हैं। योग गैर सांप्रदायिक है, गैर सांप्रदायिक। धर्म शब्द की व्याख्या तो बहुत गहरी है, योग गैर सांप्रदायिक है, योग एक सेक्युलर प्रैक्टिस है, अब ये पूरी दुनिया मानने लगी है। खैर, अब अगली बात कहते हैं। तो योग के क्षेत्र में हजारों, लाखों, करोड़ों हमारे पूर्वज ऋषियों ने बहुत अभ्यास किया और उसके अनुभवों को शास्त्रों में लिखा। इसी को अपरा विद्या, परा विद्या, अध्यात्म विद्या और ब्रह्म विद्या कहते हैं। इसका हमें बोध होना चाहिए, एक पक्ष, ज्यादा नहीं तो मूलभूत सिद्धांतों का तो बोध हो, ये योग का ज्ञान पक्ष है। दूसरा योग का अभ्यास पक्ष, कि रोज कितना योगाभ्यास करना है, आसनों, प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम आदि के रूप में, ये योग का अभ्यास कहा जाता है, योगाभ्यास ऐसा बोला जाता है। तीसरा है योग इन एक्शन, योग हमारे आचरण में कितना घटित होता है। तो सुबह सुबह तो हमें व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान करने हैं, लेकिन दिन भर हमें एक योगी की तरह आचरण करना है, हमारी सोच में, हमारी दृष्टि में योग हो, हर क्षण हमारी परीक्षा होगी, हमारा माइंडसेट एक योगी जैसा होना चाहिए, हर बात को उसी दृष्टि से देखना है। योगी का माइंडसेट जो अभी मैंने आपको कहा कि अपने स्वरूप में जीने वाला, अपनी निजता में, अपने भीतर की पूर्णता में जीने वाला, उच्च चेतना, दिव्य चेतना, भागवत चेतना, स्वचेतना, आत्म चेतना, गुरु चेतना, ऋषि चेतना, जो भी उसके लिए नाम दो, एक ही बात है, उस माइंडसेट से जीने वाला होना चाहिए योगी को। हर परिस्थिति में उसको इस चेतना में जीना है, परिस्थिति चाहे जो हो, हमारी मनः स्थिति
डगमगानी, गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। मनस्थिति हमारी खराब नहीं होनी चाहिए। परिस्थितियां तो खराब आती है। अभी जैसे देखो बाहर बहुत बरसात हो रही है, तो किसी किसी को ये परिस्थिति अच्छी नहीं लग सकती। हो सकता है अतिवृष्टि हो सकती है, किसी किसी ने जिसने वर्षा तो देखी ही ना हो उसको तो क्या आनंद आ गया। हाँ, तो मैं तो स्वर्ग में आ गया। ऐसे अनुकूल प्रतिकूल कोई एक भी परिस्थिति किसी को दो रूपों में दिखती, किसी को अनुकूलता दिखती, किसी को प्रतिकूलता। परिस्थिति चाहे जो हो, योगी की मनः स्थिति गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और ये तो मैंने माइंडसेट की बात की, सबसे बड़ी बात तो यही होती है, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। जैसा हमारा होता है विचार वैसी ही होती है हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा स्वभाव। जीवन के दृश्य रूप में अंतिम परिणति, देखो एक तो जीवन में कुछ चीजें दिखती हैं और कुछ चीजें अनविजिबल हैं। दृश्य रूप में हमारे जीवन की तीन बातें सबसे महत्वपूर्ण है। एक हमारी वाणी, दूसरा हमारा व्यवहार और तीसरा हमारा स्वभाव। इन तीन के ऊपर साधक की, योगी की, और साधक और योगी तो बहुत ऊंचे शब्द हैं, जो भी संसार में सुखपूर्वक जीना चाहता है उसकी इन तीन बातों पर सबसे ज्यादा जागरूकता होनी चाहिए। एक वाणी, दूसरा व्यवहार और तीसरा हमारा स्वभाव। और इन तीन के आधार पर ही किसी व्यक्ति का सर्वाधिक मूल्यांकन होता है। इसको बैकएंड से देखेंगे तो बहुत कुछ इसकी पीछे जुड़ा हुआ है। और वाणी, व्यवहार और स्वभाव इसके परिणाम के रूप में देखेंगे तो भी सारा संसार इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए सर्वाधिक हमें जागरूक होना चाहिए वाणी। मैंने देखा आध्यात्मिक जीवन में, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में लोग एक बात से पूरी बात खराब कर देते हैं। कुछ भाई बहन हमारे बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनकी वाणी अच्छी नहीं होती है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, दिल के भी अच्छे होते हैं लेकिन वाणी की गलत अभ्यास हो रखे हैं। वैसे तो पूरे जीवन को एक शब्द में बोला जाए तो वो अभ्यास है। एक शब्द में सारे जीवन को परिभाषित किया जाए तो वो अभ्यास होता, हमारे बोलने का अभ्यास, हमारे आपस में किस तरह से एक दूसरे से हम बर्ताव करते हैं, और फिर कैसा हमारा स्वभाव हो गया है। खैर, इनका एक उत्तर मैंने दिया था, योग हमारा स्वभाव बन जाए। क्या बोला? योग हमारा स्वभाव बन जाए तो फिर सारी समस्याओं का समाधान है। अब योग का अभ्यास करा था, आज हम रोगानुसार योग करेंगे। और सिद्धांत के रूप में बहुत गहरी बातें निष्कर्ष के रूप में, निचोड़ के रूप में आपसे हम कहते रहेंगे, उनको आप नोट भी करते रहना और योग भी करते रहना। सभी रोगों में जो मुख्य प्राणायाम का अभ्यास है वो सबको करना है। 99% योग में लाभ प्राणायाम के द्वारा होता है।
ये लगभग 2.5 से 5 सेकंड में श्वास लेना, 2.5 से 5 सेकंड में श्वास छोड़ना, ये भस्त्रिका प्राणायाम। डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग करना, थोरेसिक ब्रीदिंग अप टू डायफ्राम, श्वासों का गहरा लेना और छोड़ना, ये भस्त्रिका प्राणायाम। इससे पंच प्राणों को, पंच कोशों को, पंच भौतिक देह को, पंच ज्ञानेन्द्रियों, पंच कर्मेंद्रियों को, अंतःकरण चतुष्टय को, पूरे अस्तित्व को हम पुष्ट करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से हमारे भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। इसको अंग्रेजी में ओरा कहते हैं, हिंदी में इसको, संस्कृत में इसको आभा मंडल कहते हैं। हमारे भीतर और बाहर एक प्राणिक आभा मंडल तैयार हो जाता है, प्राणिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। जो हमें सब रोगों से बचाता है और हमारे भीतर के सब रोगों को मिटाता है। एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन से लेकर के पूरे हमारे व्यक्तित्व को सबल बनाने के लिए यह भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। इसका 5 मिनट अभ्यास करना, ये इसका सामान्य अभ्यास है। कोई अत्यंत बलवान हो, पूर्ण निरोगी हो, तो तीव्रता पूर्वक भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। जो विद्यार्थी हैं, युवक युवतियां हैं, बहुत बलवान हैं, उनको जब तक कोई भी योगी का अभ्यास बहुत बलपूर्वक ना किया जाए, ताकत ना लगे, ऊर्जा ना लगे, जब तक वो करते करते थक न जाए, उसमें गति ना हो, तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलती। तो युवाओं को ऐसे तीव्रता पूर्वक करा सकते, क्या दिक्कत। युवा जो है ना, वो गति प्रिय होते हैं। युवाओं को स्पीड चाहिए, स्पीड, कन्वीनियंस एंड कंफर्ट, ये आजकल के जो मॉडर्न मैनेजमेंट है, मॉडर्न बिजनेस मॉडल है, उसमें ये सब चीजें सिखाते हैं। उन स्वभाव ऐसा होता है युवाओं का, खैर, तो वो तीव्रता पूर्वक कर सकते हैं। हाँ, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी हो, तो उनको ऐसे 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। देखो ये 5 सेकंड वाला है, एवरेज देखी जाती है कोई भी बात ना, औसत रूप में समय कितना लग रहा है, कभी 4 सेकंड, कभी 5, कभी 6 सेकंड, 4, 5, 6 का औसत 5 ही आएगा ना, ऐसे। ये भस्त्रिका प्राणायाम सब रोगों के लिए जरूरी है।
फिर दूसरा कपालभाति प्राणायाम। सब रोगों में 99% और कुछ रोगों में तो 100% प्राणायाम से ही लाभ होना है। 1 सेकंड में एक बार वाला अभ्यास ही सेफ प्रैक्टिस है। देखो, एक है सामान्य अभ्यास, वो सबको करना है, विशेष अभ्यास विशेष परिस्थितियों में। एक सेकंड में एक बार। अब जैसे मैं 8-10 बड़ी बीमारियों के बारे में बता रहा हूं जिनमें केवल प्राणायाम से ही लाभ होता है, जैसे जितने भी मानसिक रोग हैं इनमें आसनों से सामान्य लाभ होगा, माने आसन ना भी किए जाए तो भी जिन रोगों में लाभ हो सकता है और वो रोग पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं और आसनों से वो रोग ठीक नहीं हो सकते, उसको मैं कह रहा हूं कि कुछ रोग केवल प्राणायाम से ही अच्छे होंगे, आसनों से सामान्य लाभ होता है, ना भी आसन करेंगे तो भी आपको 100% लाभ हो जाएगा केवल प्राणायाम से। जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स, मानसिक रोग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, एपिलेप्सी। अब एपिलेप्सी के लिए कोई आसन करने की आवश्यकता नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, डिप्रेशन है, माइग्रेन पेन बहुत ज्यादा है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और भी मस्तिष्क और शरीर का जो नाड़ी तंत्र है उसमें विकृतियां आने से और प्राण शक्ति के कमजोर पड़ने से, एसएलई, एमएस, ऑटोमन डिजीज, एसएलई, एमएस, ऑटोमन डिजीज, स्नायु तंत्र के, नाड़ी तंत्र के रोग, पार्किंसंस, हाथ में ऐसे कंपन होता है, डिमेंशिया, अनिद्रा, भावनात्मक जितने भी असंतुलन है उसमें प्राणायाम ही विशेष रूप से लाभ करता है। प्राणायाम और ध्यान, प्राणायाम ध्यान पूर्वक ही करना चाहिए। प्राणायाम में ध्यान अंतर समाहित है, इसके बाद जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड में हम कपालभाति और उज्जायी ये दो विशेष रूप से कराते हैं, सिंहासन भी करवा देते हैं, फिर ये गले को ऐसे गोल गोल घुमा देते हैं, यदि कोई कर पाता है तो उससे उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, अर्ध चंद्रासन अथवा सर्वांगासन, हलासन आदि, जिससे कि थायराइड को भी विशेष रूप से एक्सरसाइज मिलती है, वो करवाते हैं अभ्यास। यदि ये कोई ना कर पाए तो हम नहीं करवाते, उसका तो शरीर इतना भारी होता है थायराइड की प्रॉब्लम से, थायराइड के साथ साथ बहुतों को उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, ऐसी समस्याएं होती हैं, तो उनको तो आप करवा ही नहीं सकते ना सर्वांगासन, हलासन आदि और कोई कठिन आसन। तो कपालभाति और उज्जायी प्राणायाम करने मात्र से थायराइड क्योर हो जाता है, ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। अब उच्च रक्तचाप में शवासन सामान्य रूप से लाभ करता है, लेकिन कोई शवासन भी ना करे, प्राणायाम और ध्यान कर ले तो ही अब बीपी क्योर हो जाता है। लेकिन आसन कोई ऐसा नहीं है, चाहे वो शीर्षासन, सर्वांगासन, कठिन आसन तो उच्च रक्तचाप में करवाए ही नहीं जाते, और सामान्य आसनों से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, सूक्ष्म व्यायाम कर लो, व्यायाम कर लो, आसन कर लो, बीपी क्योर नहीं होगा। बीपी केवल प्राणायाम और ध्यान से ही क्योर होता है, और बाकी भी जितने भी रोग हैं, अब जैसे डायबिटीज को आसनों के द्वारा सामान्य रूप से नियंत्रित कर सकते हैं, थोड़ा लाभ होगा अभी बताएंगे आपको, लेकिन डायबिटीज क्योर करने वाला जहां तक प्रश्न है
वो कपालभाति के लंबे अभ्यास से होता है। ऐसे अब अस्थमा के लिए कोई आसन नहीं है। सामान्य रूप से जब लंबे सांस लेते और छोड़ते हैं तो अस्थमा में फायदा तो होता है, लेकिन प्राणायाम से ही अस्थमा की ओर होता है। वात, पित्त, कफ, ये तीन बड़े रोग माने जाते हैं। तो वात रोगों के लिए, माने रेमेटॉइड अर्थराइटिस है तो चाहे हजार आसन कर ले अर्थराइटिस की ओर नहीं हो सकता। वात रोग माने क्रिटिकल वात रोग, अर्थराइटिस, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, ऑस्टेपेनिया, ऑस्टेपोरोसिस, असाध्य वात रोग प्राणायाम से ही अच्छे होते हैं। असाध्य पित्त रोग वो भी प्राणायाम से ही अच्छे होंगे। और असाध्य कफ रोग जिसमें एस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एक और भयंकर रोग होता है लंग फाइब्रोसिस, फेफड़े लोथड़े की तरह हो जाते हैं, ऑक्सीजन को अवशोषित करने का सामर्थ्य फेफड़ों का क्षीण हो जाता है, वो प्राणायाम से अच्छे होंगे। अब जैसे शरीर में कहीं गांठें हो गई हैं, हाथों में, पैरों में, यूट्रस में, ब्रेस्ट में, ब्रेन में ट्यूमर हो गया, गांठें हो गई हैं, अब गांठ को अच्छा करने के लिए कोई आसन नहीं है, वो प्राणायाम से अच्छा होगा। कपालभाति आधा आधा घंटा करने से पूरे शरीर में कितनी भयंकर गांठें हो, एक तो होती है एक दो कहीं गांठ है हाथ में पैर में, किसी को मोटी मोटी गांठ हो जाती है, पता लग जाता है ऐसे, उसको लाइपोमा बोलते हैं सामान्य रूप से। किसी को टीबी वाली गांठ, किसी को मैलिग्नेंट ट्यूमर, बेनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर, सामान्य लाइपोमा कोई गांठ है, फिर छोटी छोटी गांठें होते हैं यूट्रस में, फाइब्रॉइड्स, ओवरी में सिस्ट, फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी, छोटी छोटी गांठें किडनी में तो पॉलीसिस्टिक किडनी, छोटी छोटी गांठें ओवरी में तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये अंदर छोटी छोटी गांठें हो जाती है। इसका कोई इलाज नहीं है, कोई आसन नहीं है इसका, और कोई इलाज भी नहीं है, दवाइयां ही नहीं है इसके लिए। आयुर्वेद की दवाइयों से भी सामान्य लाभ होता है बिना प्राणायाम के। एक भी व्यक्ति इस धरती पर हमने ऐसा नहीं देखा जिसकी एलोपैथी की दवाई खा करके कोई पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम अच्छी हो गई, अथवा आयुर्वेद की औषधियां भी लाभ करती हैं, चाहे हल्दी है, चाहे काचनार, गुगुल, वृद्धि बाधिका, वटी, शिला, सिंदूर, ताम्र, भस्म, ऐसी औषधियां हैं आयुर्वेद में जिनसे गांठ डिजोल्व हो जाती है, लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरीज उससे भी अच्छी नहीं होती है। और बहुत ज्यादा गांठें हो ना, किसी किसी को तो 10-20-50-100-100 गांठें हो जाती है, पूरे शरीर में गांठें हो जाती है, वो कपालभाति आधा से एक घंटे के अभ्यास से ही सभी गांठें मेल्ट हो जाती है। फैट डिपॉजिट ही तो होता है ना वहां, तो फैट मेल्ट हो गया प्राणायाम से। अब पायस फिसर फिस्टुला के लिए कोई आसन नहीं है धरती के ऊपर, वो प्राणायाम से अच्छा होगा। अब हड्डी यहां से बढ़ गई है, यहां से हड्डी घिस गई है, एड़ी की हड्डी बढ़ गई, घुटने की हड्डी घिस गई, दांत के अंदर कैविटी तैयार हो गई, ऑस्टेपेनिया, ऑस्टेपोरोसिस हो गया, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का इंबैलेंस होने से अंदर से हड्डियां खोखली होने लग गई, अब इसका कोई इलाज नहीं है। अब अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन की, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसका कोई आसन नहीं, प्राणायाम से ठीक।